जब तुम भूखे हुए अल्लाह ने तुम्हें खाना दिया, और जब तुम्हें खौफ है डर है अल्लाह तुम्हें अमन देगा। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ, मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते हैं। ये कुरान की आयत है, अल्लाह के कलाम की आयत है ये। ला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह, कसम अल्लाह पाक की किसी से मुसलमान नहीं डरता है, ना आज तक डरा है और ना आगे डरेगा। मेरे भाई अल्लामा इब्ने कय्यिम कहते हैं रहमतुल्लाहि अलैह, الخوف هو العبادة ولا يليق إلا لله, خوف एक इबादत है, जैसे सजदा रुकू एक इबादत है वैसे खौफ भी एक इबादत है, सिवाय अल्लाह के किसी के लिए जायज नहीं है। हम डरते नहीं हैं, हम डरते नहीं, किसी के बाप को हम नहीं डरते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फसाद बरपा है, बिगाड़ बरपा है, अमन खत्म हो चुका है, इत्मीनान खत्म हो चुका है, पीस खत्म हो चुका है। वजह क्या है? कुरान कहता है यह बिगाड़ क्यों हो रहा है, ये अमन क्यों गारत हो रहा है? ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس, लोगों के आमाल की वजह से है, बद आमालियों की वजह से है। ليذيقهم بعض الذي عملوا, बाज आमाल का बदला चका रहा है अल्लाह ताला, ताकि लोग अल्लाह की तरफ रुजू करें, गुनाहों से माफी मांगे, तौबा इस्तिगफार करें, तौहीद पर कायम हो जाएं, शिर्क के दरवाजों को बंद करें। अल्लाह की कसम अल्लाह की मदद आएगी। हम बेहयाई के काम करें, हम गुनाहों का मुर्तकिब हम बने, और फिर उम्मीद रखे रहमत की, कैसे हो सकता भाई, ये हो नहीं सकता है। और वो यतीमों के सर पे हाथ रखो और कहो तेरा बाप उम्मत के लिए मरा है, हम तेरे लिए खड़े हुए हैं। कुरान गवाही देता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौम हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, अल्लाह किसी कौम की हालत को नहीं बदलता, मर रहे मरने दो, जलील है जलील रहने दो, अगर खुद कौम खड़ी हो जाएगी अल्लाह उसकी मदद करेगा। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जो भी दुश्मन है मेरे सलफ का, जल रहा था जला है जलेगा, मसल के सलफियत का शरारा।